ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पल वन, तो एग्जाम्पल वन क्या कह रहा है कि टेन ए जो है 4/3 है, टेन ए की वैल्यू बेटा 4/3 है, और आपसे कहता है बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, बचे हुए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालो। तो पहले ना आप हमेशा एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। अब क्योंकि उसने टेन ए बोला है तो ए 90 नहीं होना चाहिए, ये ले लिया ए, ये ले लिया बी, और ये हमारा सी। और आपको पता है टेन ए का मतलब क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, पिछली वीडियो में पढ़ाया ना टेन का मतलब क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो, टेन का मतलब यही है ना। अब टेन ए की वैल्यू 4/3, तो अब हमें क्या कह रहा है, बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल कर देंगे। आपसे कह रहा है एक तरीके से फाइंड साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, कॉसेक ए निकालना है, सेक ए निकालना है, और कॉट ए भी निकालना है, ये सब निकालने हैं आपको। तो अगर आप साइन ए निकालने जाओगे तो साइन ए का मतलब होता है पी अपॉन एच, यानी हाइपोटेनियस चाहिए, यानी कि यहाँ हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो हाइपोटेनियस के लिए आप फिर तो भैया पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, देखो अब ए की बात की है, इसकी टेन ए की, टेन ए बोला है तो ये हमारा, और मैंने बोला था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड को परपेंडिकुलर मानते हैं। तो टेन ए बोला है ना ए, तो ए के अपोजिट ये परपेंडिकुलर सबसे बड़ी वाली हाइपोटेनियस, तो बेस क्या हो गया ए बी। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखो भैया ये ए सी का स्क्वायर, बेस है आपका बी सी का स्क्वायर, नहीं बेस तो आपका सॉरी ए बी था, ए का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो गौर से देखो भैया ए सी, ए सी पता ही नहीं हमें, अब ए बी की बात करूं तो मेरा ए बी कितना दिया हुआ है, देखो हमने बताया ना पी वाई बी, तो देखो ये हमारा 3 है, ये हमारा 4, तो बी सी आपका 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, 16 + 9 = 25, ए सी स्क्वायर आया बेटा 25, तो इसका मतलब ए सी है 5, ए सी कितना आ गया 5, तो हाइपोटेनियस आपका 5। अब आपसे पूछ रहा है साइन ए, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच, साइन ए का मतलब क्या है पी बाई एच, तो साइन ए का मतलब होता है बेटा पी अपॉन एच। तो परपेंडिकुलर आपका बी सी है, अपॉन में हाइपोटेनियस आपका ए सी है, बी सी की वैल्यू 3 है और ए सी की वैल्यू 5, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5, साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5। फिर बात करते हैं कॉस ए, देखो कॉस ए मेरे हिसाब से जो मैं जिस मेथड से तुम्हें सिखाता हूँ वो होता है बी बाई एच, बी बाई एच, तो बेस हमारा यहाँ पे ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है, तो इसकी वैल्यू 3/5। लेकिन कई टीचर इसे अपोजिट एडजेसेंट से पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है, अपोजिट और एडजेसेंट से, तो कॉस ए क्या होता है बी बाई एच। अब आपकी टीचर नंबर कार्ड देगी अगर आप बी बाई एच लिख के आओगे, उसको चाहिए एडजेसेंट वर्सेस हाइपोटेनियस, तो आप एक काम करो ना, आप ये लिखो ही मत, ना एडजेसेंट लिखो ना बी बाई एच लिखो, आप सीधे क्या कर दो, आप सीधे लिख दो कि कॉस ए का मतलब क्या होता है, मन में सोचो बी बाई एच, मन में सोच लिया, उसके बाद यहाँ हमारी बी क्या है, हमारा इस डायग्राम के हिसाब से ए बी, और एच क्या है ए सी, तो ए बी बाई ए सी इक्वल टू 3/5, ऐसे लिख दो, नंबर भी नहीं कटेंगे, टीचर का दिल भी रह जाएगा। तो तुम्हें टेन ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ, टेन ए तुम्हारा क्या था पी बाई बी, तो दिस इज बी सी बाई ए बी, 4/3 आपको दिया। अब देखो आपको पता है साइन ए का रेसिप्रोकल कॉसेक ए होता है,
यानी ए सी बाई बी सी कितना आ जाएगा 5/3। कॉस ए का उल्टा sec a, तो ठीक है ए सी बाई ए बी 5/4, और tan a का उल्टा बेटा cot a, ए बी बाई बी सी 3/4 आंसर। ये निकालने थे आपको 6 रेशियोस, निकल गए, कोई दिक्कत? सॉरी बेटा, यहाँ पे ना जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाला, ये 4/5 होना था, है ना, AB 4 है तो ये 4/5 होता है, ठीक है। चलो एग्जांपल 3, ठीक है, एग्जांपल 3 क्या कह रहा है एग्जांपल 3 में, कि आपको ट्रायंगल ACB कंसीडर करना है जो कि राइट एंगल है C पे, ये रहा C, ये बचे AB। अब इसमें बोला हुआ है कि आपको AB 29 यूनिट्स है, 29 यूनिट्स है, और BC 21 यूनिट्स है, ठीक है, और साथ में एंगल ए बी सी यानी एंगल बी, इसको थीटा मान, इसको थीटा मान, ठीक है। और आपसे फाइंड करने को तो गिवन क्या दिया है, गिवन गिवन दिया है ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, और एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा। टू फाइंड, फाइंड क्या करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू है, और ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, ठीक है। मैं अगर आपसे कभी पूछूं बेटा AB का होल स्क्वायर क्या होता है, A into B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर A स्क्वायर B स्क्वायर, यही बोलोगे। लेकिन अगर मैं पूछूं कि cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपके दिमाग में उसको देख के यही आएगा कि cos स्क्वायर थीटा और थीटा का स्क्वायर, नहीं, ये नहीं होता, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी स्क्वायर्स करते हैं रेशियोज के, तो कुछ इस तरीके से होता है, सिर्फ cos के ऊपर स्क्वायर आएगा, थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ये चीज आपको याद करनी, आप ये अपने कॉपी के ना टॉप पे जो मार्जिन वाली साइड होती है वहां लिख लेना, ठीक है, ये वाली चीज क्या कि cos पर और cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा का साइड में लिख देता हूं ऊपर के, कि cos थीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, ऐसे ही sin थीटा का होल स्क्वायर करूं तो बेटा sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, ठीक है। रेशियो के ऊपर स्क्वायर आता है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, थीटा की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज को ना थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना। अब देखो, तो हमें थीटा cos थीटा निकालना है, cos स्क्वायर थीटा निकालना है, sin स्क्वायर थीटा निकालना है, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा निकालना है, ठीक है। तो थीटा मतलब सब कुछ थीटा में ही दिया गया, तो थीटा के हिसाब से थीटा के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी, और ये हमारी बेस। तो देखो हमारे पास अब हमें cos थीटा चाहिए जो कि b बाई h होता है, और sin थीटा p बाई h होता है। तो देखो b बाई h तो काम चल जाएगा, लेकिन p बाई h में काम नहीं चलेगा, p निकालना पड़ेगा, और p कैसे निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम से, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, आपका hypotenuse का square is equal to base square, perpendicular का square, और hypotenuse हमारा बेटा यहाँ पे AB है, base हमारा BC है, और perpendicular हमारा AC। अब मैं सीधे value रखकर आंसर निकालता हूँ, 29 का square, ठीक है, 21 का square plus AC square, AC स्क्वायर आ जाएगा बेटा 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर आ गया 400, तो
एसी आ जाएगा बेटा 20 यूनिट्स। एसी कितना आया 20 यूनिट्स, ये मेरा एसी आ गया, यहाँ लिख दिया 20 यूनिट्स। अब पहला पार्ट आपसे क्या पूछा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पूछा। कॉस का मतलब क्या होता था, बी बाई एच, कॉस का मतलब क्या है बी बाई एच, बी कितना है बी सी, एच कितना है ए बी। अब इसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर लगा है। ऐसी साइन थीटा का मतलब होता है पी बाई एच, पी है ए सी, एच तो ए बी है, उसका स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इनकी वैल्यू रखते हैं तो देखो ये आपका आ जाएगा 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 441 अपॉन में 841 प्लस 400 अपॉन में 841। सॉल्व किया, दोनों के नीचे 841 है, ऊपर प्लस हो जाएंगे वो भी 841 आएगा इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, देखो बेटा हमें ये पता चला कि साइन अब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन लिखो फिर कभी पॉजिटिव में तो चल जाता है, हमें पता चला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा कितना होता है 1। इसकी वैल्यू आ गई है जो आपसे पूछा था ना फर्स्ट पार्ट में, ये वैल्यू एक हमारी आइडेंटिटी भी है, खैर वो मत मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अब सेकेंड पार्ट पूछा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो सीधे भाई 21 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन में 29 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा अगेन 441 अपॉन में 841 400 बाई अपॉन में 841। सॉल्व किया 441 माइनस 400 अपॉन में 841, तो 41 बाई 841, ये मेरी किसकी वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा एग्जांपल 4 में क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी जो कि राइट एंगल है बी पे, ए बी सी बी पे 90 डिग्री, ठीक है बी पे 90 डिग्री। अब इसमें काम की चीज गिवन क्या है कि टेन ए इक्वल टू 1 दिया है, टेन ए की वैल्यू कितनी दी है 1, और आपको जो प्रूफ करना है टू प्रूफ कि 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू 1 होता है, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है 2 sin a cos a की वैल्यू हमारी 1 है, कि आपको प्रूव करना है, दिस यू नीड टू प्रूव। ठीक है अब तो देखो भैया अब तुम्हें पता है ना, प्रूफ पे आओ, प्रूफ तो आपको क्या दिया tan a is equal to 1, ये दिया tan a की वैल्यू कितनी दी है 1। अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है, 1 by 1 1 ही होता है, लेकिन मुझे इससे एक फायदा हो जाएगा, नीचे बंद रखने से मेरे को फायदा क्या हो जाएगा, मुझे पता है tan का मतलब होता है p by a, ये रहा a के अपोजिट साइड bc हमारा p हो जाएगा जो कि 1 यूनिट है, और ये हमारा हाइपोटेनियस इसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, और ये हमारा बेस है ये हमारा 1 यूनिट का, ये भी हो जाएगा बेस भी हमारा 1 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है अब हमें 2 साइन ए कॉस ए को की वैल्यू निकालनी है, तो देखो साइन ए में चाहिए होगा आपको हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस हमारे पास है नहीं है ना, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करिए, और यहाँ पे वो कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, अभी बेस हमारा 1 है परपेंडिकुलर भी हमारा 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, तो बेटा हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू आई 2। तो अगर मैं यहाँ से हाइपोटेनियस निकालूं मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट 2,
हाइपोटेन्यूस कितना आ गया रूट टू, तो हाइपोटेन्यूस रूट टू आ गया, ठीक है हाइपोटेन्यूस कितना आ गया रूट टू। अब आपसे पूछ क्या रहा है, टू साइन ए कॉस ए, लिख लो टू साइन ए कॉस ए, तो टू इंटू साइन ए की वैल्यू, साइन का मतलब होता है पी बाई एच, पी बाई एच परपेंडिकुलर कितना है हमारा, देखो ऐसे लिख लेना टू इंटू बी सी बाई टू इंटू बी सी अपॉन में ए सी, कॉस ए का मतलब होता है बी बाई एच, ए बी अपॉन में ए सी, तो देखो भैया टू इंटू बी सी हमारा वन, ए सी रूट टू, ए बी हमारा वन, ए सी रूट टू, तो टू इंटू वन इंटू वन वन और रूट टू मल्टीप्लाई होके टू, उसे टू कट गया वन, तो हमारा टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू कितना आया वन, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, तो आप प्यारा सा हैंस वेरीफाइड लिखे, ठीक है हमारा हैंस वेरीफाइड। तो अब हम एग्जांपल 5 पढ़ने वाले हैं बेटा, देखो तो एग्जांपल 5 में क्या बोला है, ट्रायंगल है OPQ और राइट एंगल है P पे, ठीक है OPQ आगे क्या दिया है गिवन में, गिवन में OP 7 सेंटीमीटर दिया है, उसे P, ठीक है OP में उल्टा बना दिया था, O ये Q था, ठीक है ऊपर Q है ये, तो OP 7 सेंटीमीटर, ये हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है और साथ में क्या दिया बेटा OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो फाइंड करना है साइन क्यू क्या होगा और कॉस क्यू क्या होगा, ये थीटा नहीं है क्यू है देख रहे ना, ठीक है तो इस क्वेश्चन में अगर दो साइडें दी होती हैं आपको, दो साइडें दी होती तो आप क्या करते तीसरी साइड को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते, लेकिन यहाँ साइड तो एक ही दी है सिर्फ और सिर्फ ओपी कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, ना OQ दिया है ना PQ दिया, ठीक है तो आप कहोगे सर इसमें तो पाइथागोरस भी नहीं लगेगी सॉल्व कैसे होगा, तो देखो ध्यान से ठीक है सॉल्यूशन देखो हमें क्या दिया है बेटा, देखो हमें ये दिया है सबको दिख रहा है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, मतलब हाइपोटेन्यूस में से अगर हम PQ निकाल दें, हाइपोटेन्यूस में से अगर हम PQ निकाल दें तो हमारा कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर, तो यहां से अगर मैं OQ की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस PQ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, OQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस PQ आ गई। अब लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखो ध्यान से देखो सब चीजें समझ आ जाएंगी आपको थोड़ी देर में, पूरी की पूरी इमेज क्लियर हो जाएगी। वो कहता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब यहाँ हमारा हाइपोटेन्यूस कौन है OQ, ठीक है बेस, अब फिलहाल बेस किसी को भी मान लो, अभी हम OP को बेस मान लेते हैं कि इस हिसाब से, अभी देखो वैसे Q के हिसाब से साइन Q की बात कर रही है, साइन Q की बात कर रहा है ना और कॉस Q की बात कर रहा है, तो अगर हम उस चीज को इमेज में लेकर चले तो हमारा देखो Q के अपोजिट वाली साइड OP ये परपेंडिकुलर हो जाएगी हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो आप इस हिसाब से तो मेरा बेस क्या है PQ परपेंडिकुलर कितना है OP, तो अब मेरी बात करते हैं OQ, तो OQ की वैल्यू तो हमारे पास है ना 1 प्लस PQ, 1 प्लस PQ, तो बस जो हमारा यहाँ OQ दिया था ना उसको हमने 1 प्लस PQ से रिप्लेस किया, 1 प्लस PQ से रिप्लेस कर दिया, इधर आ जाएगा PQ,
प्लस ओपी की वैल्यू आपको ऑलरेडी 7 दी है, 7 स्क्वायर कर दो, 7 स्क्वायर कर दो। तो देखो बेटा, जब तुम 1 प्लस PQ के होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे ना, तो पता ये क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछो तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर कर देते हैं, नहीं, प्लस 2ab भी तो होता है, तो pq का होल स्क्वायर प्लस 49, ठीक है, कितना 49, ये हमारा 49 आ जाएगा 7 का स्क्वायर। तो pq स्क्वायर से pq स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर मतलब 1, 2pq इज इक्वल टू 49, 1 इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2pq इज इक्वल टू 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, 2pq कितना आया है 48, तो pq आ जाएगा बेटा 24 सेंटीमीटर। अब गौर से सुनो, pq 24 है तो oq क्या था, 1 प्लस pq 1 प्लस 24 25 सेंटीमीटर, oq हमारा ये आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, OQ कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है sin Q, तो sin का मतलब होता है P upon H, अब P कितना है हमारा, P है भैया OP upon में OQ, OP upon में OQ, तो 7/25 sin Q की वैल्यू, cos q की वैल्यू होती है बेटा b upon h, तो b कितना, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि आपका b कितना है, तो b बोलोगे आप लोग सर qp या pq upon में oq, ठीक है, तो 24/25 ये आपके दो आंसर्स, ठीक है। तो आई होप सभी को एग्जांपल पार्ट क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल 2 मैंने छोड़ा है, मुझे याद है एग्जाम्पल 2 जो है वो मैं कभी किसी और दिन पढ़ाऊंगा, किसी और दिन क्यों पढ़ाऊंगा मैं बता रहा हूँ, अभी आपका मैंने ट्राइंगल्स नहीं करवाया, तो जब तक ट्राइंगल की सिमिलरिटी वाले और उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला कॉन्सेप्ट CPST, जैसे CPCT होता था ना वैसे CPST, तो जब तक आपको ट्राइंगल की सिमिलरिटी समझ नहीं आएगी तब तक आपको वो एग्जाम्पल समझ नहीं आने वाला, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल 2 जो है एग्जाम्पल 2 छोड़ा हुआ है, वो मैं कभी और वीडियो बना के आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, तब तक के लिए आप ये वाले एग्जाम्पल्स देख लो, अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बता दो।